कुछ हो, टीचर की बहाली वो ठीक करें, तो ये सब चीज़ के बारे में कहना देखना ये तो है, लेकिन अधिकार तो जिनको है वही करता है ना। अभी तो आप जानते हैं कि बहुत सारे केसेज गए हैं, तो केसेज गए हैं तो जांच भी हो रहा है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही बहाली हो रही है कि नहीं हो रही बहाली। और फिर यहाँ राज्य सरकार की तरफ से अब ये कोशिश की जा रही है पूरा कह करके कि भाई ठीक ढंग से बहाली करिए, और हम लोग तो और ज़्यादा बहाली चाहते हैं तेजी से। तो ये सब सारी बातें हैं, तो वहाँ से जो कुछ भी आया उसके बारे में तो पूरी जानकारी दी गई और हम जरूर कहेंगे भाई, और हमसे कोई बातचीत नहीं है, हमसे कोई बातचीत नहीं, ये तो विभाग है वही बातचीत किया है। और एक बार विभाग के साथ जो बैठक हो रही है तो उसी समय मालूम हुआ था, तो ये हुआ था कि भाई जो पूरी बात है जितना पहले से बना हुआ है इसके बारे में आप लोग भी लिख करके दीजिए, और फिर इसका गाइडलाइन बिल्कुल जारी होना चाहिए। कोई अगर नया कानून में संशोधन करना हो तो संशोधन हो जाना चाहिए, तो अभी जो किया हुआ है पहले से प्रावधान, तो राज्य सरकार तो उसी प्रकार से चल रहा है। लेकिन अगर कोई गाइडेंस खाली दे देने से तो नहीं ना होगा, कानून को भी तो बदलना पड़ेगा। तो राज्य सरकार की तरफ से भेज दिया गया है, और आप लोगों को कुछ भी मालूम होगा ये आपको डिटेल बता देंगे मंत्री। हम तो आज नहीं, बहुत पहले की बात है, जब बहुत पहले हुआ उसी समय बैठक हुई, तो उसी समय हम लोगों ने कहा कि नहीं ठीक है तो पहले भेज दीजिए और तब जानकारी ले लीजिए कि क्या करना है कैसे करना है, तो ये तो यही बता देंगे। वो तो है ही, हम लोग यहाँ पर तो किए ही हुए हैं ना जी, मान्यता है ना कई को, तो जिनको जिनको मान्यता मिली हुई है और सेंटर से मान्यता, तो आपको याद है ना जी, हम लोग जब केंद्र में ही थे एमपी थे उसी समय ना कई लोगों को मान्यता हुई। हम तो एक दूसरे कार्यक्रम में यहाँ पर अनुरोध किए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी आए हुए थे हमारे ही एक कार्यक्रम में, रेलवे से संबंधित कार्यक्रम था, और वहीं पर लोगों ने मांग किया था, तो हम लोगों ने कहा, उन्होंने स्वीकार किया और उसके बाद उसको जारी किया। तो कितने को तो केंद्र से ही मिला हुआ है अधिकार, तो जिसको अधिकार मिल गया है उसको तो मिला ही हुआ है, और मान लीजिए किसी को अधिकार नहीं मिला तो उसके लिए भी कहा जाता है कि उनको भी मिल जाए जो लोकल लैंग्वेज है, क्योंकि सब जगह उसकी महत्ता है, तो वो तो हम लोग अपना चाहते ही रहते हैं, तो कोई इशू नहीं है, बुलंद रहिए। तो ये सब चीज़ के बारे में कहना देखना ये तो है, लेकिन अधिकार तो जिनको है वही करता है ना। अभी तो आप जानते हैं कि बहुत सारे केसेज गए हैं, तो केसेज गए हैं तो जांच भी हो रहा है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही बहाली हो रही है कि नहीं हो रही बहाली। और फिर यहाँ राज्य सरकार की तरफ से अब ये कोशिश की जा रही है पूरा कह करके कि भाई ठीक ढंग से बहाली करिए, और हम लोग तो और ज़्यादा बहाली चाहते हैं तेजी से। तो ये सब सारी बातें हैं, तो वहाँ से जो कुछ भी आया उसके बारे में तो पूरी जानकारी दी गई और हम जरूर कहेंगे भाई, और हमसे कोई बातचीत नहीं है, हमसे कोई बातचीत नहीं, ये तो विभाग है वही बातचीत किया है। और एक बार विभाग के साथ जो बैठक हो रही है तो उसी समय मालूम हुआ था, तो ये हुआ था कि भाई जो पूरी बात है जितना पहले से बना हुआ है इसके बारे में आप लोग भी लिख करके दीजिए, और फिर इसका गाइडलाइन भी बिल्कुल जारी होना चाहिए। कोई अगर नया कानून में संशोधन करना हो तो संशोधन हो जाना चाहिए, तो अभी जो किया हुआ है पहले से प्रावधान, तो राज्य सरकार तो उसी प्रकार से चल रहा है। लेकिन अगर कोई गाइडेंस खाली दे देने से तो नहीं ना होगा, कानून को भी तो बदलना पड़ेगा, तो राज्य सरकार की तरफ से भेज दिया गया है, और आप लोगों को कुछ भी मालूम हो